सत श्री अकाल, एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। सब तो पहला गल करांगे रूस और यूक्रेन दरमियान चल रही जंग दी। हालांकि दोवें मुल्क गलबात दी टेबल ते भी बैठे, पर बावजूद इस दे जंग लगातार जारी है। यूक्रेन ते हमले लगातार जारी ने, ते उधर रूस दे वलों तां परमाणु दस्ता है जो उस दे वलों हमले का अभ्यास भी किया गया। रूस ते यूक्रेन विचाले भयानक जंग जारी है। बंब धमाकियां नूं 100 घंटे तों वध समां बीत चुकिआ, पर ना रूस रुक रिहा ते ना ही यूक्रेन चुक रिहा। रूसी हमले कारण हुण तक 14 बच्चिआं समेत 350 तों वध लोकां दी जान जा चुकी है। हालांकि जंग दरमियान पहली बार रूस ते यूक्रेन बेलारूसा च गलबात दी मेज उत्ते पहुंच गए ने। जानकारी मुताबक रूस सीज़फायर दी शर्त उत्ते अड़िआ है, जदों कि यूक्रेन दी शर्त है कि पहला रूस अपनी फौजी कार्रवाई वापस लए। यूक्रेन उत्ते हमले कारण रूस चारे पासे तो घिरता जा रहा है। यूरोप ते कनेडा वालों पहला ही रूसी एयरलाइंस लई अपने हवाई खेतर बंद कर दिए गए हैं। इस तो अलावा रूस लई हुण नवी चुनौती यह बनती जा रही है कि अमरीका आस्ट्रेलिया समेत कई देश यूक्रेन की मदद लई अगे आउण लगे ने। जानकारी के मुताबक सोमवार को इन देशों ने यूक्रेन लई कई तरह के हथियार भी भेजे ने। इस विचाले यह भी खबर आई है कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या करने के फिराक च भी है। दसिया जा रहा है कि राजधानी कीव च 400 रूसी हथियारबंद मौजूद ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या करने लई भेजे गए ने। इस जंग दौरान रूस वालों अपने परमाणु दस्ते के अभ्यास करने का भी दावा किया गया है। खैर, उधर यूक्रेन ने भी साफ कर दिता है कि भावें रूस नाल गलबात शुरू हो चुकी है, पर यूक्रेन ना तो आत्म समर्पण करेगा ते ना ही अपनी जमीन का एक इंच छड्डेगा। इस दे नाल ही यूक्रेन ने यह भी चेतावनी दी है कि जेकर रूस ने परमाणु हथियार की वरतों की तो दुनिया च तबाही होएगी। यूक्रेन ते हमले की निंदा दुनिया भर च हो रही है। अमरीका जवास के यूक्रेनी नागरिकों ने व्हाइट हाउस के बाहर रैली की है और इस मुश्किल घड़ी च यूक्रेन का साथ देने की अपील की। अमरीका ने रूस से बेशक पाबंदियां लाइया ने, पर इस तो पहला जंग च उसने अपनी फौज भेजण तो इनकार कर दिता सी। अमरीका च वसदे यूक्रेनी नागरिक अपने मुल्क की अजिही हालत वेख के बेहद दुखी ने और दुनिया भर के मुल्कों तो यूक्रेन का साथ देने की अपील कर रहे ने। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ऑपरेशन गंगा के तहत सोमवार शाम को 6वीं फ्लाइट भारत पहुंची, जिस दे विच 240 विद्यार्थियों को भारत लिया गया। ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट के 4 मंत्री भी यूक्रेन के गुआंढ़ी देशों के विच जाएंगे, ताकि इस ऑपरेशन को सुचारू रूप चलाया जा सके। रूस और यूक्रेन विचाले भयानक जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन च फसे भारतीयों नूं वापस लियाउण लई ऑपरेशन गंगा भी लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन संकट को लेकर हाई लैवल बैठक की। पीएम वालों यूक्रेन च फसे भारतीय विद्यार्थियों के एयरलिफ्ट लई 4 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेवार सौंपी गई है, जिन्हां च हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू ते साबका फौज मुखी वीके सिंह का नाम शामिल है, जो उत्थे फसे भारतीय विद्यार्थियों के बचाव कार्य में मदद लई यूक्रेन के गुआंढ़ी मुल्कों का दौरा करनगे। रूस यूक्रेन का युद्ध सोमवार को भी यानी 5वें दिन जारी सी। रूस वालों लगातार हमले किए जा रहे हैं, पर यूक्रेन भी रूस सामने झुकण को तैयार नहीं। इस विचाले सोमवार को एयर इंडिया की 5वीं उड़ान 249 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची। हालांकि इस तो बाद करीब 11 बजे 6वीं फ्लाइट ने भारत लई उड़ान भर दी, जिसके जरिए 240 नागरिक दिल्ली पहुंचे ने। सिचुएशन तो हालात तो बहुत ज़्यादा खराब ही है, जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ रहा है सबको, और फायरिंग हो रही है चारों तरफ, बम मिसाइलें दागी जा रही है, और मतलब सारे बच्चे हैं बहुत से ज़्यादा डरे हुए हैं, और उनको मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बॉर्डर किसी को क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा। जैसे रोमानिया पे हम वहाँ से आए हैं तो वहाँ 2-3 दिन से खड़े थे सारे लड़के, और फिर यहाँ पे मतलब बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। एम्बेसी ने सब कुछ सही किया है, मतलब एक बार क्रॉस करने के बाद यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ क्रॉस करने में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कई लड़के बेहोश हो रहे हैं, उनको खाना पीना भी मतलब ठीक से नहीं मिल पा रहा है।
नाउ आई एम फीलिंग सेफ. वी वर सो इन हेक्टिक एंड सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम. देर वॉज ओनली होप कि हमें एम्बेसी घर पहुँचा दे बस. एट वेन वी वर एट बॉर्डर देर वर सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड हेक्टिक लाइक वी कॉन्ट एबल टू क्रॉस द बॉर्डर. देर वर सो मैनी स्टूडेंट्स लाइक नाइजीरियन फ्रॉम पोलैंड फ्रॉम इजिप्ट. वी वर नॉट एबल टू क्रॉस द बॉर्डर. आई लॉस्ट माई बैग. टू बैग्स आई लॉस्ट एंड आई इवन लॉस्ट माई पासपोर्ट एंड ऑल. आई वेंट बैक एंड हैव माई पासपोर्ट देन आई कैम बैक. एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो स्ट्रक एट बॉर्डर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से हेल्प देम लाइक. बट इंडियन एम्बेसी जस्ट होप फॉर अस. वी वर हेल्पलेस इन यूक्रेन. यूक्रेन का सीन ये है कि हमें बॉर्डर तक काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी है. काफ़ी चीज़ें वहाँ जो है वो अभी सोल्व नहीं हुई. लेकिन बॉर्डर से क्रॉस होने के बाद से लेके यहाँ तक हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत हमें सामना नहीं करना पड़ रहा. बाकी बॉर्डर पे सिचुएशन अभी इसलिए ख़राब है कि दो तीन दिन से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ, तो उस वजह से जो भारतीय दूतावास है वो सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे. बाकी उसके बाद आगे निकलने के बाद भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय का हमें इतना अच्छा साथ मिल रहा है, वो वाकई में काबिल है. जी सर. तो आप फंसे हुए हैं वहाँ पे? हाँ जी सर, हम तीन दिन से फंसे हुए थे लेकिन आज जब हम पहुँच चुके हैं तो वाकई में खुश है सर. हुण तक भारत वालों करीब 2000 नागरिक ऑपरेशन गंगा के तहत भारत पहुंचा दिए गए हैं. भारत सरकार का दावा है कि जल्द ही सारे नागरिकों को सुरक्षित भारत लिया जाएगा. हमारे कम से कम 800 बच्चे वहाँ पे हैं स्ट्रक, जिसमें से अभी 124 स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं. थ्रू इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भी करीब 84 के करीब आ गए हैं. जो स्टूडेंट बॉर्डर क्रॉस करके हंगरी और स्लोवाक रोमानिया और पोलैंड यहाँ पहुँच रहे हैं, इनको तो मदद मिल करके ये लोग वापस आ पा रहे हैं. लेकिन हमारी चिंता उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कीव और खारकीव में फंसे हुए हैं. उनके पास खाना पीना खत्म हो गया है. वहाँ अगल बगल बम के धमाके चल रहे हैं और जो बॉर्डर पर पिछले दो दिन से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं रोमानिया के, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल के दौरान उनका खून जम गया है. तो हमारे उनके लिए बहुत चिंता है. हमने एम्बेसी को भी सूचित किया है और एमईए को भी सूचित किया है. मुझे उम्मीद है जल्दी उन पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा. कितने और लोग आने हैं राजस्थान की बात करें तो कम से कम अभी 600 बच्चे और आने चाहिए. जो हमारे पास डेटा जो हमारे पास है व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल फॉर्म के माध्यम से. लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनमें अभी कम से कम 16,000 बच्चे वहाँ पे हैं. सैकड़े विद्यार्थी भावे देश परत आए ने पर अजे भी हजारा विद्यार्थी यूक्रेन के दहशत भरे माहौल फसे हुए ने, जो उतों के हालात वीडियो बना बना के बयान कर रहे हैं. ये तस्वीर यूक्रेन के खारकीव शहर दियां ने जो पंचकूला के सिद्धार्थ ने भेजिया ने. सिद्धार्थ मैडिकल की पढ़ाई लिए यूक्रेन गया सी पर हुण वह अपने सैकड़े विद्यार्थियों नाल उत्थे फस के रह गया, जो होस्टल के बेसमेंट नूं बंकर बना के पांच दिनों तो लुके हुए ने. हालांकि खाण पीन का समान फिलहाल की कड़ी मैस तो मिल रहा है पर इन्हां दे बाहर जाने ते पूर्ण पाबंदी है. मेरा नाम लायक अत्री है और मैं हरियाणा से हूँ, जिला करनाल, गांव खानपुर से हूँ मैं. अभी मैं यूक्रेन में चर्नीवित्सी में फंसा हुआ हूँ. जैसे कि वॉर की सिचुएशन यहाँ बहुत ज्यादा खराब है. हम रात को सो रहे थे, लगभग 1 बजे हमारे पे मैसेज आता है कि हमारी सिटी रेड अलर्ट पे है और हमें तुरंत ही बंकर में ले जाया गया. हम 2 घंटे वहां बंकर में रुके हैं. हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी और अभी हम इस वक्त रूम पे आए हैं. और यहां से हमारा रोमानिया बॉर्डर बहुत ही पास है, लगभग 30-40 किलोमीटर होगा. तो सरकार से एक ही अपील है कि जो स्टूडेंट्स बॉर्डर के नजदीक है उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए. प्रदेश अलीगढ़ से हूँ और यही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके सरकार हमें यहाँ से इवैक्यूएट कराए. यहाँ बहुत ही खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. उधर जिला संगरूर के पिंड पुटाल कलां का बलजिंदर सिंह भी यूक्रेन च फसिया है. बलजिंदर ने भी एक वीडियो भेज के उतों के हालात बयान किए ने, जिसनू देख के संगरूर च बैठा उसका परिवार चिंतित हो रहा है. तो फिलहाल हले तक ठीक ठाक, तो कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है. तो इस सिटी के हले तक कोई हमला भी नहीं होया है, पर खतरा तो फिर भी है थोड़ा बहुत. तो यही है कि इतों निकलने अगर कुछ सिस्टम होंदा है तो गवर्नमेंट कुछ करे इस दे निकालने लिए.
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਾ ਤਿਰਸਕਾਵਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੀਵ ਤੋਂ 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੇਫ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੂੰ 100 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਹੁਣ 2,000 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹਿੱਲਿਆ ਕਿ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਈਸਰ ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਆਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਲ ਕਿਲਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਕੰਟੇਨਰ, ਅਤੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ 6 ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਫਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਡਿਲੀਵਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਮਤਲਬ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਜੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਫਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੜੀਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ।
असी सरकार वालों ये मतलब उन्हां नूं रिक्वेस्ट करांगे एटलीस्ट जिहड़े कंटेनर साडे उत्थे डिलीवर्ड नहीं होए इन ट्रांजिट दे विच हैगे ने उन्हां नूं सानूं वापस लिआउण दे विच साडी जिहड़ी आ हैल्प कीती जावे तां कि असी उह कंटेनर जो असी माल अपना बचा सकदे हां एटलीस्ट उह ते बचाईए। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। 5,000 ਟਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 5,000 ਟਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ $700-800 ਦਾ ਫਰੇਟ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ $7,000-$8,000। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਰਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ 400 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 80% ਬਾਸਮਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁੱਧਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਵਾਹਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ $550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। $260 ਕਰੋੜ ਇੰਪੋਰਟ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ 1.3% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 43,000 BDP ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ 0.2% ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2020 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ $2.69 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ $1.97 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੀ 21 ਦਿਨ ਕੀ ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
डेरा प्रमुख ने आज रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचकर सरेंडर किया है। गुरमीत राम रहीम गाड़ियों के काफिले के साथ 11:50 पर रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे और जेल प्रशासन के सामने सरेंडर किया। हम आपको बता दें कि 7 फरवरी के दिन गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई थी जो कल ख़त्म हो गई थी, आज उन्होंने सरेंडर किया है। हम आपको बता दें कि 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 2 साध्वियों के बलात्कार के मामले में सज़ा सुनाई थी। इसी बीच रामचंद्र छत्रपति जो पत्रकार थे उनकी हत्या और साथ ही डेरे के जो प्रबंधक थे रणजीत सिंह उनकी हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दी थी। तब से लेकर अब तक राम रहीम जेल में ही रह रहे थे लेकिन अब 21 दिन की फरलो उन्हें मिली थी। इस दौरान उन्हें गुरुग्राम स्थित आश्रम में रहने की अनुमति दी गई थी। गुरुग्राम आश्रम में उनकी माँ के साथ हनीप्रीत भी मिलने पहुँची थी। इसी बीच सरकार ने उनकी जान को खतरा देखते हुए उन्हें Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। बताया जा रहा है कि उन्हें खालिस्तान समर्थकों से जान का खतरा था लेकिन अब एक बार फिर से राम रहीम सलाखों के पीछे चला गया है। इस तो पहला राम रहीम नु फरलो देण दे मामले च हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट च पूरा रिकॉर्ड सौंपिया सी जिस च सरकार ने स्पष्ट कीता के फरलो दा फैसला तय प्रक्रिया अनुसार लिया गया। हाई कोर्ट च सौंपे रिकॉर्ड च ए भी खुलासा होया के हरियाणा सरकार राम रहीम नु हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं मानती सगो सरकार दा तर्क है कि डेरा मुखी नु इना कतला ने नहीं सिर्फ उना दे साथी मुलजमा नाल साजिश रचण दे दोषां तहत सजा सुनाई गई है। राम रहीम नू सीबीआई दी विशेष अदालत ने 2017 च 2 साध्वियां नाल बलात्कार दे मामले च 20 साल दी सजा सुनाई थी जिस तों बाद पंचकूला च हिंसा होई ते राम रहीम नू हैलीकॉप्टर दे जरिए सुनारिया जेल भेजा गया सी अते उदों तों ही राम रहीम जेल च बंद सी। हालांकि इस तों बाद डेरा मुखी नू पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कतल मामले च भी उम्र कैद दी सजा सुनाई गई इस लई ओह बार बार सरकार तों पैरोल दी मंग कर रहा सी जिस नू मंजूर करदिआं बीती 7 फरवरी नू फरलो दे दित्ती गई ते हुण 21 दिनां बाद मुड़ राम रहीम वापस सुनारिया जेल पहुंच चुकिया है। इस नाल मैनू दिओ इजाजत। प्रदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई तुसी देखदे रहो ABP सांझा।